नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। चौथी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का 22वां स्थान। सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज मामले में सुनवाई से किया इनकार। बिहार में सूखे से ऐसे निपटेगी सरकार। अमेरिका में भी बजा मुंबई इंडियंस का डंका, जीता MLC 2023 का खिताब। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चौथी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। आज सावन की चौथी सोमवारी है, ऐसे में आज राज्य के सभी शिवालयों में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में कांवड़ियों का सैलाब दिखाई दिया। वहीं समस्तीपुर के विद्यापति धाम में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि चौथी सोमवारी को श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ आधी रात से ही दिखनी शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं ने बाबा से सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। बेलपत्र, गंगाजल, फल फूल, भांग, धतूरा आदि का शिवलिंग पर अर्घा के माध्यम से अर्पण किया। बिहार की राजधानी पटना के पुनाईचक के शिव मंदिर में भी सावन की चौथी सोमवारी पर भक्तों की भीड़ देखने को मिली। नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का 22वां स्थान। बिहार धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। बता दें कि इस बात की जानकारी नीति आयोग के द्वारा जारी की गई एक्सपोर्ट इंडेक्स से निकलकर सामने आई है, जिसके तहत बिहार को देश भर में 22वां स्थान दिया गया है। मालूम हो कि वर्तमान में बिहार का देश के कुल निर्यात में भागीदारी केवल 0.52% ही है, जिसे वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट से यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार का बिजनेस इकोसिस्टम में 27वां, निर्यात नीति में 13वां, निर्यात इकोसिस्टम में 25वां, निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां और लैंडलॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में 9वां स्थान है। बता दें कि नीति आयोग के अनुसार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और क्लस्टर योजना लागू होने के बाद बिहार से निर्यात बढ़ा है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत दी जाती है इतनी राशि। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं को साइकिल खरीदने के लिए अनुदान स्वरूप 3,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बता दें कि राशि DBT के माध्यम से सीधे बालक बालिकाओं के बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। हालांकि इस राशि को पाने के लिए छात्र छात्रा की विद्यालय में न्यूनतम उपस्थिति 75% होनी अनिवार्य है। ऐसे में अगर कोई छात्र छात्रा की उपस्थिति 75% से कम होती है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के लाभ उठाने के इच्छुक छात्र छात्रा अपने अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क करें। बिहार में सूखे से ऐसे निपटेगी सरकार। राज्य में कम बारिश होने की वजह से इस बार धान की भी रोपनी कम हुई है। वहीं अब इस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कृषि विभाग की ओर से वैकल्पिक खेती करने की योजना बनाई जा रही। इसको लेकर राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सचेत कर दिया गया है और इसके साथ ही विभाग की ओर से 17 तरह की वैकल्पिक फसलों की खेती पर भी जोर देने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि 15 अगस्त के बाद सरकार की ओर से किसानों के लिए वैकल्पिक खेती के तहत आने वाली फसलों के बीज को बांटा जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से 41,264 क्विंटल बीज मांग कर किया गया है। मालूम हो कि वैकल्पिक खेती के तौर पर जिन फसलों की खेती की जाएगी उनमें शॉर्ट टर्म धान, मक्का, अरहर, उड़द, तोरिया, सरसों, मटर, भिंडी, मूली, कुलथी, मरुआ, सांवा, कोदो, ज्वार और बरसीम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज मामले में सुनवाई से किया इनकार। बीते 13 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में BJP के द्वारा किए गए विधानसभा मार्च के दौरान पटना पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया गया और इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा इस मामले की SIT CBI के से जांच कराने की मांग को भी रद्द कर दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीधे तौर पर कहा गया है कि पहले आप पटना हाई कोर्ट जाएं, वहां याचिका दर्ज करें और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मालूम हो कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को BJP कार्यकर्ता भूपेश नारायण के द्वारा याचिका दाखिल करवाई गई थी, जिसके बाद इस मामले की पहली सुनवाई 25 जुलाई को हुई। इसके बाद अब आज इस मामले की सुनवाई तारीख तय की गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। दरभंगा, मधुबनी और औरंगाबाद के बाद अब कैमूर में इंटरनेट बैन। गृह विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार दरभंगा, मधुबनी और औरंगाबाद के बाद अब कैमूर में भी बीते दिन यानी कि रविवार 1:30 बजे से 1 अगस्त 2023 की शाम 4 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अब इस दौरान फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वीचैट, स्नैपचैट, टेलीग्राम समेत 2 दर्जन से अधिक वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुहर्रम जुलूस के दौरान कैमूर में पुराना चौक पथ में 2 पक्षों में उत्पन्न विवाद के बाद रोड़ेबाजी हुई, जिसके बाद प्रशासन की ओर से सख्ती दिखाई
बुलाई गई और सभी को शांत कर जुलूस को आगे बढ़ाया गया और फिर शाम से बक्सर, रोहतास, भोजपुर से अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती कैमूर में की गई। इसके बाद अब पूरे जिले में सोशल साइट के यूज पर रोक लगा दी गई है। ट्रिपल मर्डर के बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी का बड़ा एक्शन। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और दो बॉडीगार्ड की हुई मौत को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत एसएसपी के द्वारा शहरी क्षेत्र के 7 थानेदार समेत विभिन्न थानों में तैनात 15 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि इन सभी अधिकारियों को थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिसमें नगर थानेदार भी शामिल है। मालूम हो कि इस कांड में 5 लोगों को गोली मारी गई थी। वहीं किए गए इस कार्रवाई पर एसएसपी राकेश कुमार के द्वारा बताया गया कि इन सभी पदाधिकारियों की इस मामले पर लापरवाही सामने आई है। केस डिस्पोजल अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध रोकने में विफल रहने का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच सीआईडी करेगी। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना के 51 जगहों पर लगा इमरजेंसी कॉल बॉक्स। बिहार की राजधानी पटना में सुरक्षा के मद्देनजर 51 जगहों पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया गया है। हालांकि इन 51 जगहों में से 38 जगहों पर ही इमरजेंसी कॉल बॉक्स काम कर रहा है। बता दें कि इस बॉक्स में लगे हेल्प बटन को दबाने पर 2 बीप के बाद सहायता मांगी जा सकती है। मालूम हो कि बटन दबाते ही कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी से आपकी सीधी बात हो जाएगी। इसके साथ ही अधिकारी को आपके लोकेशन की भी जानकारी सीधे ही मिल जाएगी और फिर अधिकारी के द्वारा इसकी जानकारी नजदीकी थाना को दी जाएगी और वहां से आपको तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी शुरुआत पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। मालूम हो कि भविष्य में इसकी जरूरत को देखते हुए संख्या में और वृद्धि की जाएगी। फॉक्सकॉन तमिलनाडु में कर सकती है एक बड़ी डील साइन। वेदांता को लगा झटका। ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि वह तमिलनाडु में एक बड़ी डील साइन कर सकती है, जिसमें वेदांता को बड़ा झटका लग सकता है। बता दें कि इस डील के तहत ताइवानी कंपनी 1600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इसके साथ ही इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्लांट से करीब 6000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकेगी। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सकॉन की सपोर्टिंग कंपनी फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट के द्वारा चेन्नई के पास कांचीपुरम में एक कैंपस बनाने के लिए 16 अरब यानी 194.45 मिलियन डॉलर का निवेश करने का प्लान बनाया गया है। साल 2024 में प्लांट का काम पूरा हो सकता है। जमुई में स्वर्ण भंडार को लेकर मंत्री सुमित सिंह का बड़ा बयान। पिछले दिनों से जमुई में स्वर्ण भंडार काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र की ओर से भूतत्व विभाग की टीम यहां पहुंची थी, लेकिन अब इसकी खुदाई को लेकर केंद्र सरकार की ओर से शिथिलता बरती जा रही है। इसी को लेकर बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह के द्वारा केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया है कि भूतत्व विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार पूरे देश में सबसे अधिक सोना होने का यही दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल सोने का करीब 46% भंडार जमुई में है। भूतत्व विभाग की ओर से पहल हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से इसमें शिथिलता बरती जा रही है। इस इलाके में कई दूसरे खनिज भी दबे पड़े हैं। यहाँ कई बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। बिहार सरकार की ओर से अब तक केंद्र सरकार को 28 से 30 बार पत्र लिखा जा चुका है। मेरी पहल पर ही भूतत्व विभाग की टीम एक्टिव हुई थी। अब फिर से हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। लालू के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया था कि 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकना है, वहीं अब उनके इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि लालू जी एनडीए से कितनी बार हारे हैं, जिसकी गिनती उन्हें भी याद नहीं है। नीतीश जी अब राजनीति से अप्रासंगिक हो गए हैं और लालू जी तो पहले से अप्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी हैं वो हैं जिन्होंने लालू जी को जेल भेजने का काम किया था और आज लालू यादव उन्हीं के गोद में बैठे हैं। ऐसे में अब का वोट भी नहीं बचेगा। जेडीयू के लोग ही लालू यादव को पंजीकृत अपराधी कहते थे। एक पंजीकृत अपराधी कैसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? अगर आज कोई कोर्ट चला जाए तो उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि लालू यादव अभी बीमार है, उन्हें आराम की जरूरत है। लोजपा रामविलास की सरिता वर्णवाल जेडीयू में हुई शामिल। बीते दिन रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरिता वर्णवाल ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के मौजूदगी में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान उमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा कहा गया कि बाबा साहेब आम्बेडकर के महान संविधान में आस्था रखने वाले लोग अब भाजपा को देश से भगाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। दलित, शोषित व वंचित समाज के हितों पर कुठाराघात करने वाली भाजपा का 2024 में विदाई तय है। उन्होंने कहा कि सरिता वर्णवाल के आने से निश्चित तौर पर पार्टी को गया जिले में मजबूती प्रदान होगी। पार्टी के समाजवादी विचारधारा एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामाजिक न्याय के साथ विकास की सोच से प्रभावित होकर सरिता वर्णवाल ने पार्टी के साथ जुड़कर कार्य करने का निर्णय लिया है।
तेज प्रताप ने कहा उनके इस काम को नरेंद्र मोदी करेंगे कॉपी। बीते दिन बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा छात्र राजद भारत का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज सभी ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, ऐसे में जो काम नौजवान कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री या नेता नहीं है जो खुद से ब्लॉगिंग करता हो। अब उनके इस काम को कॉपी नरेंद्र मोदी द्वारा भी किया जाएगा। वह भी कहेंगे आप देख रहे हैं फलाना ब्लॉग, क्योंकि वह हमारे नकल करते हैं, हमारे पिताजी की भी बहुत नकल करते हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि देश को इन लोगों ने झकझोर दिया है, अदानी अंबानी के साथ में देश का जो पैसा है वो दे दिया है, देश को अंधकार में छोड़ दिया है, खुद सूट बूट पहने हवाई जहाज में बैठे और उड़ गए और चले गए लोग को बेवकूफ बनाने। अमेरिका में भी बजा मुंबई इंडियंस का डंका, जीता एमएनसी 2023 का खिताब। अमेरिका में पहली बार आयोजित हुई T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला सीजन मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क टीम ने अपना नाम कर लिया है। पहले सीजन में एमआई न्यूयॉर्क ने सीटेड ओकर्स को 7 विकेट से रौंद कर जीत हासिल की। इस जीत में कप्तान निकोलस पूरन का अहम रोल रहा, जिन्होंने 55 गेंदों में नाबाद 137 रन बनाकर अकेले के दम पर टीम को ये एक तरफा जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही मुंबई फ्रेंचाइजी ने दुनिया में 9वां खिताब हासिल किया और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। एमआई न्यूयॉर्क की जीत के बाद ट्विटर पर फैंस टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2023 में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अमेरिका में टीम को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाया। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.36 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.10 रुपए और डीजल 94.82 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.73 रुपए और डीजल 95.41 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.64 रुपए और डीजल कीमत 95.32 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 95.98 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.47 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.10 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रेणु गोलू कुमार, भान प्रकाश मौर्य, सदुल्लाह पलवी, मुटुल रंगीला, ऋषि ठाकुर, पीके पासवान, हलीश्वर कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौशद अंसारी, राजकिशोर महतो, अर्जुन राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज आपके क्षेत्र में सावन के चौथे सोमवार को लेकर कैसा माहौल देखने को मिला। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बढ़े रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।